जनपद में श्रावण पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग के द्वारा अयोध्या के लिए 10 बसें लगाई गई हैं, जिसके संबंध में परिवहन के एआरएम महेश चंद्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से अयोध्या तक 10 बसें लगाई गई हैं। यदि कोई यात्री बड़हलगंज, देवरिया और पिपराइच जाता है तो उसके लिए लोकल अनुबंधित बसों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यह बसें पूरी श्रावण पर चलेंगी तथा रक्षाबंधन में परिवहन निगम महिलाओं एवं वाहनों के लिए पूरी सुविधा देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एआरएम महेश चंद्र ने कहा, यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से अयोध्या तक 10 बसें लगाई गई हैं और वापसी की भी यही व्यवस्था है। जो यात्री आते हैं उसमें ज़्यादातर कुछ बड़हलगंज जाएंगे, कुछ देवरिया जाते हैं, कुछ पिपराइच जाते हैं, तो इनके लिए लोकल अनुबंधित बसों की व्यवस्था है। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशल बसें भी कुछ लगाई गई हैं? 10 निगम की बसें लगाई गई, मतलब उसमें आम यात्री भी जा सकते हैं केवल? नहीं, किसी को मना नहीं है, तो जाएंगे ही, उसमें और भी जो जाना चाहें वो भी जाएंगे। ये आज से शुरू है और ये लगभग एक महीने तक तो चलेंगी, पूरे सावन भर चलेंगी बसें। रक्षाबंधन भी है? रक्षाबंधन में तो अलग व्यवस्था है, रक्षाबंधन में तो महिलाओं को फ्री है, बहनों को फ्री है, वो तो पूरे प्रदेश में जाएंगे, कहीं मना नहीं है। लेकिन ये तो स्पेशली अयोध्या के लिए है और पूरी सुविधा रक्षाबंधन में महिलाओं बहनों को पूरी सुविधा परिवहन निगम पर प्रोवाइड करेगा।